यू आर प्रेजेंटिंग प्रांजल ठाकुर फ्रॉम धर्मगढ़ विथ ए ब्रांड न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर आलोकर प्रतिफलन और प्रतिसरण दैट इज प्रतिसरणांक। आलोकर प्रतिसरणांक विषय पढ़ा पूर्व आम प्रथम आलोकर प्रतिसरणर नियम गुड़िक बुझा। आलोकर प्रतिसरण दुईटी नियम अनुसार हुए सेगुड़िकी आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि एवं अभिलंब आपतन बिंदु ठारे गोटे समतल रही था। आपतन कोणर साइन और प्रतिसरण कोणर साइन र अनुपात एक स्थिरांक। आम जानिचु आपतन कोण को आम आई रे संकेत एवं प्रतिसरण कोण को आर रे ताहेले एहा होई जीवो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। एही स्थिरांक को प्रतिसरणांक कहा जाए। एही स्थिरांकर मूल्य दुईटी माध्यमर प्रकृति और आलोकर वर्ण उपर निर्भर करिथाय। जेतेबेले गुटी आलोकरेखा वायु माध्यमरु अन्य एक स्वच्छ माध्यम को गति करे तार साइन आई बाय साइन आर र स्थिरांकर मूल्य को आम से ही माध्यमर प्रतिसरणांक कहू। प्रतिसरणांक को एन रे आम संकेत करिथाउ माने एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई हेउची आपतन कोणर साइन एवं साइन आर हेउची प्रतिसरण कोणर साइन। एहाकु आमे गोटे उदाहरण सहित बुझिबा। जदि आपतन कोण गोटे आलोक रेखा पाई वायुरे 37 डिग्री एवं काच माध्यम रे प्रतिसरण कोण 24 डिग्री होइथाय ताहेले काचर प्रतिसरणांक होइजिबो एन इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री बाय साइन 24 डिग्री। साइन 37 डिग्री रो मूल्य हेउची 0.60 एवं साइन 24 डिग्री रो हेउची 0.40 ताहेले एन इज इक्वल टू होइजिबो 0.60 बाय 0.40 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1.5 माने काचर प्रतिसरणांक हेउची 1.50। भिन्न माध्यम रे आलोकर वेग भिन्न भिन्न। शून्य माध्यम रे आलोकर वेग सर्वाधिक एहा हेउची 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायुरे आलोकर वेग शून्य माध्यम तुलना रे सामान्य कम। आमे प्रतिसरणांक को दुईटी माध्यम रे आलोकर वेग र अनुपात मध्य कहि पारिबा। जेमिति कि एठारे देखि पारिबो आलोक माध्यम एक रु माध्यम दुई को गति करुछि। प्रथम माध्यम रे आलोकर वेग को आमे V1 बोली मने करिबा एवं द्वितीय माध्यम रे आलोकर वेग को V2। प्रथम माध्यम रो तुलना रे द्वितीय माध्यम रो प्रतिसरणांक को आलोकर प्रथम माध्यम रे वेग और द्वितीय माध्यम रे वेग रो अनुपात द्वारा प्रकाश करा जाए एवं एहा को N21 रे संकेत करा जाए माने N21 हेउची आलोकर प्रथम माध्यम रो वेग बाय आलोकर द्वितीय माध्यम रे वेग माने V1/V2। जदि N12 माने द्वितीय माध्यम तुलना रे प्रथम माध्यम रो प्रतिसरणांक आमे कहिबा ताहेले एहा होई जीवो N12 माने आलोकर द्वितीय माध्यम रे वेग बाय आलोकर प्रथम माध्यम रे वेग माने V2/V1। जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तेबे शून्य माध्यम तुलना रे द्वितीय माध्यम रो प्रतिसरणांक को द्वितीय माध्यम रो परम प्रतिसरणांक कुहा जाए बा एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एहा को N20 रे संकेत द्वारा चिन्हित करा जाय थाए। जदि आलोकर वेग शून्य माध्यम रे बा वायु माध्यम रे सी हुए एवं अन्य एक माध्यम रे भी हुए तेबे शून्य बा वायु माध्यम तुलना रे सही माध्यम रो परम प्रतिसरणांक हेउची n इज इक्वल टू आलोकर वायु रे वेग बाय आलोकर माध्यम रे वेग जहा हि जीव तमरो C/V। जलर प्रतिसरणांक हेउची 1.33
ମାନେ ଆଲୋକର ବାୟୁରେ ବେଗ ଓ ଜଳରେ ବେଗର ଅନୁପାତ 1.33। ତମେ ତମ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ତମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ।